हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। सागर पोप एक बेहद ही बढ़िया एंटरटेनर जिनके करियर में आईफोन और लाफिंग साउंड इफेक्ट्स का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। सागर ने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक गलती की है कि उन्होंने अपने यूजर नेम में दोनों पी के बीच में डबल ओ नहीं लिखा। अरे नू कहरी ससुराल गेंदा फूल। सागर भी एकदम फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाता है। ये भी अपनी ऑडियंस का इतना ध्यान रखता है कि खुद अपनी वीडियोस में लाफिंग साउंड इफेक्ट डाल के बता देता है कि कहां पे ऐसा ना था। ये तुमने कैसे बजाई? ये तो तुमने बजाती है, माने मुझे सिखाया था, बताओ। ना गलती इनकी है ना इनको देखने वालों की है। ऐसी फोटोज देखते समझ जाना चाहिए कि अंदर खतरा है। ऐसी फोटोज नॉर्मल फोटोज की कैटेगरी में नहीं आती। ये रिंग लाइट के साथ ऐसी फोटोज का मतलब होता है वार्निंग। एक बार को तुम लोगों को चील का मुंह मिल सकता है, पर ऐसी फोटोज डालने वालों के अकाउंट पे कॉन्टेंट कत्ती नहीं। ऐसे होटल में कमरा सजा के बेड पे एक दूसरे के अगल बगल लेट के अपने लड़के दोस्त को बर्थडे विश कर रहा है, तुम्हें लगता है आम आदमी के काम है? ये सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल से भी खतरनाक लोगों में। भाई साहब आपने कभी गधे के बाल काटे? नहीं भाई साहब, पहली बार ही काट रहा हूँ। ओहो जी जोक्स लग रहे हैं जी, बहुत भयंकर। हेलो कॉमेडी। हाँ बेटा यहाँ पे लाफिंग साउंड इफेक्ट डाल दिया, अब तो तुम्हें आना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं आना पड़ेगा, लाफिंग साउंड इफेक्ट आया तो मतलब आना है। Ladies and gentlemen, welcome aboard British Airways flight 707 bound for Prague. Today's flight कुछ लोग सही में इंस्टाग्राम का सर्वर भरने के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, और इन सब लोगों की हरकतें देख के मैं अपने फ्यूचर को लेके चिंता में चला जाता हूँ। क्योंकि अगर ये इनकी वीडियोस आईटी मिनिस्ट्री ने देख ली तो इंटरनेट पे 16 साल का बैन तो पक्का है इंडिया में। सागर भाई इतने तगड़े क्रिएटर है कि कॉमेडी के साथ तो कॉमेडी कर ही देते हैं, ये जोक्स मारने की जगह जोक्स की तो मारते ही है, लेकिन साथ में रेसिस्ट पंच मारने में भी सबसे आगे है। हेलो गाइस, तो ये दुनिया का सबसे कड़ा आदमी फिल्टर में भी काम। सागर भाई वैसे तो आपकी भी इज्जत फिल्टर्स नहीं बचा रखी है, लेकिन सबसे ज्यादा तरस मुझे सागर भाई के दोस्तों पे आता है। ये बेचारे अपने डेड अकाउंट्स को रिवाइव करने के चक्कर में सागर के पूप को पोप समझ के हंसने का नाटक करते रहते हैं। बात सुन मैडम, जैन यारा खातर घनी टैटे करी ने तो एक डुक में वो गानो गाएगी, बिलो आइस बिलो टाइस तेरी यो यो हनी सिंह। इन वीडियोस से अगर तुम लाफिंग इफेक्ट हटा दो तो तुम्हें एनडीटीवी की न्यूज भी उससे ज्यादा फनी लगेगी। सागर की वायरल रील वीडियोस के चार मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला ऑब्वियसली उसका आईफोन, दूसरा उसके दो तीन बेरोजगार दोस्त, तीसरा ट्रेंडिंग पे चल रहा किसी चुटकुले का एक्सप्लोइटेशन, और चौथा और मस्ट अ लाफिंग साउंड इफेक्ट। अरे नू कह रही थी कि अगर खूबसूरत होना क्राइम है तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। मैं कहा ओ मैडम, उस हिसाब से तुझे पहले दिन ही बेल मिल जाएगी। 4 मिलियन लोग ऐसे कैंसर के साथ जीना पसंद कर रहे हैं। सरकार ने मिड डे मील का लालच दे लिया, स्टूडेंट भत्ते का लालच दे दिया, फिर भी 40 लाख लोगों ने इन सारे लालच को त्याग के सागर पोप को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चूज किया है। और ये क्या देख पा रहा हूं मैं, मजनू भाई की पेंटिंग रियलिटी में? बात तो टिकटॉक की हुई थी लेकिन हम तो यहाँ भी ट्रेंडिंग में। सागर भाई अगर तुम इंग्लिश वाली मैडम को देखने के चक्कर में भी एटलीस्ट 4-5 क्लास पढ़ लेते तो तुम्हें पता होता कि ट्रेंडिंग और वायरल में क्या फर्क होता है। आजकल भारत में हर तीसरे घर की छत पर रिंग लाइट अपने गले में डाल के नाचने वाले को लगता है कि वो सेलिब्रिटी है, बट ऐसा नहीं है। और रही बात क्रेडिट देने की, वो तो तुम एप्पल कंपनी को दो और दूसरा ही लाफिंग साउंड इफेक्ट बनाने वाले को दो। एंड यू नो व्हाट, मुझे इन एक्स टिकटॉकर्स के साथ इतने ट्रस्ट इश्यूज क्यों हैं? सागर साइंड है जोश ऐप के साथ, और सागर के साथ हर वक्त खाने पीने हगने वाला उसका जिगरी मित्र वीडियोस बनाता है टिक्की वीडियो के लिए। देखा, दोस्ती अपनी जगह और पैसा अपनी जगह, और इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन अपनी जगह। इंडिपेंडेंस डे से मुझे याद आया, हम इंडियन है, हमको चाहिए ये सस्ता मिल जाता वो सस्ता मिल जाता। अभी बता रहा हूँ, फिर कहोगे लक्ष्य भाई बताया नहीं, Amazon पे फ्रीडम फेस्टिवल सेल चल रही है। तो भाई मैं क्या करूं? अबे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स पे 60% तक ऑफ है और फैशन पे 80% ऑफ। मैं चलता हूं भाई। और अगर तुम SBI का कार्ड यूज कर रहे हो ना तो इंस्टेंटली 10% ऑफ और मिल जाएगा। उसके बाद देन आफ्टर, और इसके बाद भी एक बवाल चीज बता दे रहा हूँ, अगर तुम ये सारी शॉपिंग कैश करोगे थ्रू करोगे ना तो इन सारे ऑफर्स के ऊपर भी 6% अलग से बचा लोगे। कैश करो इंडिया की लार्जेस्ट कैशबैक वेबसाइट है जिसमें रतन टाटा जी ने भी इन्वेस्ट कर रखा है। करना कुछ नहीं है, बस 40 सेकंड का गेम है। अरे ये तो बवाल चीज है यार। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लो, या फिर मेरा कूपन कोड लक्ष्य 25 यूज करना, तुरंत 25 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा।
तो भाई अब क्या करूं? भाई इनके होम पेज पे ऑलरेडी क्रेजी डील्स चल रही हैं, कुछ समझ आए तो यहाँ से खरीद ले, नहीं तो सर्च बार में अमेज़न टाइप कर और वो ऑरेंज बटन दबा, उसके बाद तेरे को जो भी नॉर्मली खरीदना है ना वो खरीद। कैशबैक अपने आप माई अर्निंग सेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कन्फर्म होता ही ना तुम आराम से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, बस इतना आसान है। सो आप लोग भी शॉपिंग कर सकते हैं कैश क्रो ऐप के थ्रू। और वीडियो के एंड में तुम्हारे लिए एक चीज और खास है, और तेरा सिर्फ दिमाग खराब है। जाके बहुत से भाई अगर थप्पड़ मारने ही कॉमेडी हुआ करती तो आज लखनऊ वाली लड़की के स्टैंड अप शो के सारे टिकट आउट ऑफ स्टॉक जा रहे होते। पता है अपनी दोस्ती कितनी गहरी है कि हमें आज तक ये नहीं समझ आया कि किसने किसको बिगाड़ा है। यस गाइस, मीट राजस्थान के जय वीरू। जय वीरू दो बार पथरी का ऑपरेशन कराने के बाद, तो ये जय वीरू को इंटरनेट पे अपनी दोस्ती साबित करने के लिए सिगरेट का सहारा लेना पड़ रहा है। नाइस इन्फ्लुएंस। और ये साइड वाला तो दिख भी रहा है कि 8-10 साल उस धुएं को झेल लेगा, लेकिन सागर भाई मैं नहीं चाहता कि यार फिल्म शुरू होने से पहले एड में मैं आपको देखूं। नुबली रचित भाई इसकी वीडियो देखियो, तुझे हंसी आ रही क्या? नुबली तुझे कैसे समझ आ गई इसकी वीडियो? भाई मैं तो इंटरनेट पे 2020 में आया। इन 4 मिलियन लोगों को मैं पर्सनली घर घर आगे सिंपैथी दूंगा। डोंट वॉन्ट टू बी फेमस, आई हैव टू बी अ ब्रांड। भाई तुम ऑलरेडी ब्रांड हो, बस बी साइलेंट है। अंजले ए अंजले, अंजले ओए अंजले, मैं तुम, तू मुझे। एक वक्त हुआ करता था जब राजस्थान का नाम सुनते थे तो दिमाग में बड़े बड़े राजपूत, महाराज, ऊंट, कुएं, ये सब चीजें आती थी, लेकिन भाई अब तो राजस्थान का नाम सागर भाई बढ़ा रहे हैं, जिनके कंटेंट में उतनी क्वालिटी है जितना रेगिस्तान में पानी। हेलो दोस्तों, तो यार बहुत लोगों के डीएम और कमेंट्स आ रहे थे कि यार गाली वाली वीडियो क्यों नहीं बना रहे, बहुत दिन हो गए। तो गाइस गाली वाली वीडियो हमने यार छोड़ दिया बनाना, क्योंकि यार हम भी चाहते हैं कि हमारी वीडियो एक फैमिली में भी चले, वो सब देखे बैठ के। अबे लोगों को किस किस तरह की गलतफहमी हो जावे, इनको लगता है कि लोग परिवार के साथ टीवी पे इनकी 15 सेकंड की अद्भुत कॉमेडी वीडियोस देखते हैं। सोचो कि पूरे दिन से थका हारा तुम्हारा पूरा परिवार रात में एक साथ मिला है और तुम डिनर करने बैठे हो और सामने तुम टीवी पे नेटफ्लिक्स, अमेजोन, न्यूज शो छोड़ के ये देख रहे हो। अबे वो 4K प्लाज्मा भी शर्मा जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा। इसको लगता है कि कोई इतनी मेहनत करता होगा कि पहले इसकी वीडियो इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके फिर अपने टीवी पे चलाता होगा। नहीं भाई, लोग सीधा सीधा हिट छिड़क के कॉकरोच मार सकते हैं। ओके भाई लिख लेता हूँ, गाने को फनी करने के लिए उसके लिरिक्स में टट्टी पाद माँ की चू डाल दो तो सबको हंसी का ऑर्गेजम हो जाएगा। वैसे जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि यहाँ पे हर कोई अपना प्रोफेशन चेंज करने के बाद फेमस होता है, वैसे ही सागर भाई भी शुरू से हैवी कॉमेडियन नहीं थे, ये एक प्रख्यात डांसर हुआ करते थे। उसके बाद इन्होंने DID में ऑडिशन दिया और रेमो डिसूजा इनको मुंबई ले गए, नहीं नचाने नहीं बल्कि अपनी अनरिलीज फिल्मों को प्रीव्यू कराने, बस तब से ही सागर ऐसा है। तुम लोगों को लग रहा होगा कि जो 40 लाख लोग सागर को फॉलो करते हैं वही बस इस देश में सबसे अकल से पैदल है, नहीं, इनसे ऊपर भी दो कैटेगरी आती हैं। पहली तो वो जो सागर की वीडियोस में आते हैं, दूसरे वो जो सागर की वीडियोस का कंपाइलेशन बना के YouTube पे अपलोड करते हैं, एंड द लास्ट ऑनरेबल मेंशन सागर के फैन पेजेस चलाने वाले। माँ कहती थी बेटा डॉक्टर बनेगा, पिताजी कहते थे बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन बेटा तो रील क्रिएटर के कैनोट प्लेस मीटअप में जाता है। जिस दिन दिल्ली में मेरी सरकार आ गई ना भाई, कैनोट प्लेस में ऐसी सख्ती करूंगा ना कि जिसके भी बाल आड़े टेढ़े या रंग बिरंगे दिखे ना सीधा उठा के बाहर फेंक दो। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, किसी को भी किसी के पर्सनल अकाउंट पे जाके कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना, जो भी करना यहीं अपने कमेंट सेक्शन तक करके दिखाना, यहीं पे सारी चोड़ यहाँ दिखाया करो ना तुम कमेंट्स बढ़ा के। और हाँ, अमेजोन की फ्रीडम फेस्टिवल सेल के बारे में तो नहीं भूल गए, और वहां पे शॉपिंग कैश करोगे थ्रू करोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलेगा, तो उसके लिए तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरा कोड Lakshya25 यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा 25 रुपीज का बोनस भी मिलेगा। और एक चीज, इस वीडियो में 5000 रुपीज का एक और गिव अवे है जिसमें 10 यूजर्स को अमेजोन वाउचर्स मिलेंगे 500 रुपीज ईच। उसके लिए तुम्हें बस सिंपली कैश करो से कोई भी परचेज करनी है और अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, तुम एलिजिबल हो जाओगे। और मेरे को इंस्टाग्राम पे लक्ष्य फॉलो करना ना भूलना, और बाकी लिंक्स भी तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।